जय श्री राम दोस्तों, राम मंदिर तो तैयार होने ही वाला है। उसका भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी बड़ी तैयारियां राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या में की जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राम पार्क, जो कि 13 किलोमीटर लंबा और लगभग 40 फीट तक चौड़ा है, उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। राम पथ के दोनों तरफ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर उसे सजाया जा रहा है। अयोध्या में सड़कें, बिल्डिंग्स और दुकानों को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं उन कुछ बड़ी तैयारियों को जो राम मंदिर के उद्घाटन को बहुत ही खास बनाती हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 25,000 हवन कुंडों को बनाया गया है, जहां पर हवन के बाद ही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के लिए 613 किलो के घंटे को बनाकर तैयार किया गया है, जो कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन बजाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस घंटे की ध्वनि 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी, जिससे कि वहां दूर दूर तक की नेगेटिविटी भाग जाएगी। रामलला की चरण पादुकाएं, जो कि मंदिर में स्थापित की जाएंगी, उनको भी पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया है। रामलला की चरण पादुका बनाने के लिए लगभग 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें कलश, शंख, कमल, स्वास्तिक जैसे बहुत सारे चित्रों को भी बनाया गया है। देखने में ये चरण पादुकाएं बहुत ही अद्भुत लग रही हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पादुकाएं कैसी लगी। 22 जनवरी को रामलला की पूजा के दौरान जिस अगरबत्ती को जलाया जाना है, वह भी तैयार हो चुकी है। रामलला की पूजा के दौरान 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया जाएगा, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जाएगी और पूरा राम मंदिर महक उठेगा। अगर आपको भी 22 जनवरी का इंतजार है और ये तैयारियां अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और राम भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम।